मेरा नाम शाफे मकबूल है और मैं सोपोर से हूँ। मेरी पढ़ाई भी सोपोर से ही हुई है, MET हायर सेकेंडरी से, एंड उसके बाद 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग की है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फ्रॉम जम्मू। एंड उसके बाद मैंने MTech के लिए भी किया था, बट मैंने वो बीच में छोड़ दिया। एंड आफ्टर दैट मैंने सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर किया। इससे पहले मैंने IAS भी दे चुकी हूँ मैं, और KS 2016 से मैंने दिया। एंड 2016 में मेरा नहीं हुआ, वो उसका लिस्ट लास्ट ईयर निकला था, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा 2 मार्क्स से रहा था तब। तो ये 2018 वाला था, तो इसमें मेरा फाइनली हो गया है। हाँ, इंटरनेट एक बेसिक फैसिलिटी है मुझे लगता है पढ़ाई के लिए, मतलब आज के प्रेजेंट टाइम में। तो मतलब सब कुछ हम लोग इंटरनेट पे ही डिपेंड करते हैं, हमारी मैक्सिमम रिसोर्स इंटरनेट से ही जनरेट होते हैं। तो चैलेंजेस तो रहती है कि मतलब आप इंटरनेट गैग नहीं, आप न्यू करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पाते हो, करंट सिचुएशन से इतना कोप अप नहीं करते, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैनेज कर लिया। जैसे हम लोग कहीं से प्रिंट आउट निकाल देते थे, एंड चैलेंजेस तो रहते। पूर के लिए, यूथ के लिए मैं यही बोल रही हूँ, आजकल यूथ मतलब थोड़ा डिसहार्टन हो रहा है, डिप्रेशन में चली जा रही है। मैं उनको बस यही बताना चाहती हूँ कि मतलब डिसहार्टन किसी भी चीज़ पे नहीं, फेलियर हो या सक्सेस हो, मतलब ये दोनों पिलर्स ऑफ लाइफ है। तो फेलियर भी एक पिलर बनता है सक्सेस के लिए, तो गिव अप नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा। अगर हम अपने आप में देखें, हमारे पास हर किसी बच्चे में कुछ ना कुछ इनहेरेंट टैलेंट होता है, कोई ना कोई एप्टीट्यूड होता है, हर किसी को वो फॉलो करना, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो। किसी ने IAS किया, किसी ने KS किया, किसी ने कुछ और किया, उसको ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना। जो तुम लोगों में खुद का पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए, और सक्सेस मिल जाएगी।